पकड़ लिया और कन्हैया की कलाई को पकड़ लिया। चले कन्हैया क्या क्या रोटी देख तू बहुत तेज मेरी कलाई को पकड़े है और मेरे बहुत तेज डर दे रहा हूँ। तू ऐसा करे मेरी कलाई को छोड़ के मैं दूसरी कलाई पकड़ लेता हूँ। गोपी सोच रही यशोदा मैया के बुढ़ापे में तो लंगड़ा पैदा हुआ और अगर जाऊँ तो छुएगा तो मैया कोई जिंदा नहीं छोड़ेगी। और कन्हैया की कलाई को छोड़ा और जैसी दूसरी कलाई पकड़नी चाहिए तो कन्हैया ने बाई के लला को हाथ बाई के हाथ में पकड़ाया और खुद भाग चली गई। और सबसे पहले तो मैया के पास जाए के बैठे कहने लगे मैया देख गोपी को नहानो लेके आया और आज मैया देख मैं काऊ के घर नहीं गई। यशोदा कहने लगी हम आज जाना मेरे काऊ के घर नहीं गई और मैया तो देख ही रही है कोई ना कोई गुजरिया और उलहनो लेके तेरे पास आवती होगी और आपस में बात कर रही थी तब तक एक गुजरिया दरवाजे पर आ गई। कहने लगी माँ तेरे कन्हैया ने आज मेरा सत्यानाश करता था कहा कटा लो मटकी फोड़ दी माखन खा लो और तेरे कन्हैया ने आज तो माँ पकड़ के लाई। कन्हैया कहने लगे मैया देखा है झूठी कह रही है और वो गोपी दरवाजे पर खड़ी आवाज लगा दी है माँ आराजन मेरी मानी सारा दही बिगाड़ा और वो यशोदा।